गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो लुक एट दिस मोमेंट कि जब भी हम हाथों की गति को ना देखते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स, सो वी ऑलवेज मेजर फ्रॉम द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द मिडिल फिंगर. ये जो एक्सिस है जो मिडिल फिंगर से जा रही है, इस एक्सिस से हम हाथों की मूवमेंट को नापते हैं. वी आर मेजरिंग फ्रॉम दिस. सो वी ऑलरेडी नो द बोन दिस साइड, द नेम ऑफ दिस बोन इज अल्ना बोन. सो वी आर रोटेटिंग द हैंड्स इन दिस डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड अल्नर डेविएशन. अगर हम हाथों को छोटी उंगली की तरफ मोड़ते हैं, अर्थात हम हाथों को अल्ना बोन की तरफ मोड़ रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं अल्नर डेविएशन. अल्नर डेविएशन. और जब हम हाथों को अंगूठे की तरफ मोड़ते हैं, सो व्हेन वी आर टर्निंग द हैंड टुवर्ड द थंब साइड, सो दिस साइड वी आर हैविंग वन बोन, द नेम ऑफ दैट बोन इज रेडियस बोन. सो दिस इज कॉल्ड रेडियल डेविएशन. इसे हम रेडियल डेविएशन कहते हैं. तो चलिए एक बार इस मूवमेंट के बारे में बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस मूवमेंट. द एनाटॉमिकल पोजिशन इज लाइक दिस. दिस इज द एनाटॉमिकल पोजिशन. दिस इज द एनाटॉमिकल पोजिशन. सो स्मॉल फिंगर इज टुवर्ड द बॉडी. स्मॉल फिंगर हमारी बॉडी की तरफ है. ओके, सो दिस इज द एनाटॉमिकल पोजिशन. स्मॉल फिंगर बॉडी की तरफ है, थंब बॉडी से दूर है. सो स्मॉल फिंगर इज टुवर्ड द बॉडी एंड थंब इज अवे. तो अगर मैं हाथों को ऐसे करूं, ऐसे, इफ आई डू द हैंड लाइक दिस, सो दिस इज कॉल्ड एडक्शन. एडक्शन बिकॉज आई एम ब्रिंगिंग द हैंड नियर द बॉडी. सो इफ आई डू द हैंड लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड एडक्शन. अगर मैं हाथों को छोटी उंगली की तरफ डेविएट करूं, तो इसे मैं कहता हूं एडक्शन. एडक्शन, ए डी डी ए डबल डी, एडक्शन. एंड द सेम मूवमेंट इज कॉल्ड अल्नर डेविएशन बिकॉज यहां पर हमारी अल्ना बोन होती है. सो दिस इज कॉल्ड अल्नर डेविएशन. सो वी कैन टेल इट एडक्शन और द अल्नर डेविएशन. नाउ आइदर आई डू इन दिस वे, यानी छोटी उंगली की तरफ. नाउ यू कांट सी माई बॉडी बट यू जस्ट कैन सी माई मूवमेंट ऑफ हैंड. So this is the adduction if I am turning my hand toward the small finger. अगर मैं हाथों को ऐसे भी करूं, ऐसे रख के, if I do like this, if I am turning the hand toward the small finger, so this is called adduction. इसे हम adduction कहते हैं. This is called adduction. 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 Wherever I do, but if my hand is going toward the small finger, this is called adduction. Okay, adduction, adduction of the hand, adduction. In the same way, agar main opposite movement karta, if I do the opposite movement, this is the anatomical position. अगर मैं हाथों को थंब की साइड टर्न करता हूं, इफ आई एम टर्निंग माय हैंड टुवर्ड द थंब साइड, दिस इज कॉल्ड एवडक्शन. ए बी डक्शन, एवडक्शन, बिकॉज आई एम ब्रिंगिंग द हैंड अवे फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि मैं हाथों को बॉडी से दूर ले जा रहा हूं. सो दिस इज कॉल्ड एवडक्शन. एवडक्शन. नाउ वेदर यू कैन सी माई बॉडी और नॉट, दिस इज कॉल्ड एवडक्शन. इफ आई एम टर्निंग माई हैंड on the thumb side, this is the abduction. Abduction. Okay, abduction. 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 So abduction means radial deviation. अगर मैं उसे कहूं radial deviation, तो भी सही होगा.
So this is called abduction or radial deviation. इसे हम abduction कहते हैं या radial deviation कहते हैं. So the meaning of radial deviation, when I am turning my hand toward the thumb side, जब मैं अपने हाथों को thumb side में turn करता हूं, so this is called radial deviation or abduction. तो अब आप इस इमेज में देखिए, जब भी हम मेजर करते हैं, सो दिस इज द मिडिल एक्सिस, दिस इज द मिडिल एक्सिस पासिंग फ्रॉम द मिडिल फिंगर. ये मिडिल एक्सिस है, इसी से मेजर किया जाता है कि हाथ आखिर जा कहां रहा है. अंगूठे की साइड जा रहा है तो रेडियल एबडक्शन, सॉरी रेडियल डेविएशन, और छोटी उंगली की तरफ जा रहा है तो अल्नर, क्योंकि छोटी उंगली की तरफ ये हड्डी होती है, इसका नाम है अल्ना. सो दिस इज द लुक एट दिस इमेज वंस अगेन. So this is, now you can see, अगर अंगूठे की तरफ हाथ जाता है तो हम उसे कहते हैं रेडियल डेविएशन, और अगर छोटी उंगली की तरफ हाथ जाता है तो उसे हम कहते हैं अल्नर डेविएशन. I hope it is clear. Now, so look at the movement of the legs. पैरों को अंदर की तरफ मोड़ना कहलाता है medial rotation or internal rotation. If you are turning the legs inside, that is called medial rotation or internal rotation. जब पैरों को आप अंदर की तरफ मोड़ते हो तो उसे medial rotation और internal rotation कहते हैं. So the first movement is called medial rotation or internal rotation. और जब पैरों को हम बाहर की तरफ मोड़ते हैं, so when we are turning the leg outside, it is called lateral rotation. When we are turning the leg outside, this is called lateral rotation or external rotation. External rotation, इसे हम कहते हैं external rotation. Now, the most important movement is this, जो हमने उस दिन नहीं कराई थी. And the most important is upper tuber, क्योंकि थोड़ा सा आपको confusion हो सकता है इसमें. Now look at this. Now we are talking about the hip. हम hip की बात कर रहे हैं, हम legs की बात नहीं कर रहे हैं. We are talking about the movement of hip. We are not talking about the legs. और ये आखिरी movement होगी, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो इसको ढंग से समझ लीजिए. So we are focusing on the movement of the hip. Movement of the hip. We are not focusing on the movement of the legs. Right now our target is not the legs. Our target is hip only. So in this way, अगर हम hip movement की बात करें तो जब हम पैरों को बाहर की तरफ ले जाते हैं, ऐसे जब पैरों को हम बाहर की तरफ ले जाते हैं तो hip हमारा अंदर जाता है, hip opposite side में जाता है. So when we are taking the legs outside in this way, hip is going to the opposite side. जैसे तराजू के पलड़े होते हैं, तराजू का एक सिरा ऊपर जाता है तो दूसरा सिरा नीचे जाता है. So in the same way, like we are talking about the scales, in the scales, weight scales, if one side is going up, then another side is going down. In the same way, when legs are going out,
the hip is going in, which is called internal hip rotation. आप खुद movement करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप पेट के बल लेट के दोनों पैरों को जब आप बाहर की ओर ले जाएंगे तो हिप आपका अंदर की ओर जाएगा. सो व्हेन यू आर लाइंग डाउन ऑन द प्रॉन पोस्चर, व्हेन यू लाइंग डाउन ऑन द एब्डोमिन, द टेकिंग योर लेग आउटवर्ड, हिप इज गोइंग इन इनवर्ड. सो दैट इज कॉल्ड हिप रोटेशन इंटरनली. तो हिप आपका अंदर जा रहा है और इसी तरह से जब आप पैरों को अंदर की तरफ खींचते तो अपने आप हिप आपका बाहर की तरफ जाता है. व्हेन वी आर pulling the leg inside, then your hip is going outside. So that is called external rotation. So external rotation कहते हैं. So this was the last movement in all the rotation, और बाकी सारी movement हम देख चुके हैं. So just remember, when you want to tell the rotation of the hip, just do the opposite of the legs. जब भी आप hip rotation की बात करोगे तो बस आपको leg का opposite रहना है, क्योंकि leg की movement के साथ हमारी hip की movement अपोजिट होती है. सो नाउ इन दिस वे वी हैव सीन ऑल, हमने सब बात कर लिया. फ्लेक्शन आगे की ओर ले जाना, एक्सटेंशन पीछे की ओर ले जाना. फ्लेक्शन मीन्स ब्रिंगिंग फॉरवर्ड, एक्सटेंशन मीन्स टेकिंग बैकवर्ड. हाथों को ऊपर, हाथों को आगे से उठाना फ्लेक्शन, पीछे से ले जाना एक्सटेंशन. सो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. Lifting the leg from anterior side, flexion, backside extension. So we have already covered this all movement in the last class. I think, is it clear now? Abhi humne bataya tha, just we have discussed. Taking the hand toward the small finger side, that is the adduction. And taking the finger opposite, that is avoduction, means thumb side. Okay, now this is the one movement which we have to discuss. चलिए ये बात करते हैं. तो मेरे हाथ को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा. ये हमारी आखिरी मूवमेंट है, इसके बाद आपको सब समझ में आ रहा है. ये बहुत ही महत्वपूर्ण मूवमेंट है. सी, प्रो मीन्स प्रोफेशनल, वी नो वी आर प्रोफेशनल. सो व्हेन समवन वांट टू वर्क प्रोफेशनली, वेदर यू वांट टू प्ले क्रिकेट प्रोफेशनली और यू वांट टू do something professionally. So mainly the pro means pronation, word we have seen many times using during the sports activity. So jab hum sports activity karte hain to sab log aise karte hain. Okay, we are together. So one hand, another hand, then third hand, then fourth hand, then many people are keeping the hand with each other and we are together. So that is a professional collaboration. So this is called pro nation, coming from the professional pronation. Okay, and this is called supination. Supination means upper supination. Ye ek baat to ye hai, pronation or supination. When we are, ek humne isko yaad karne ke liye technique banayi thi. Humne technique aise banayi thi ki niche hai pant, to paase pant aur paase pronation, और ऊपर है शर्ट, तो ऐसे शर्ट और ऐसे सुपाइनेशन. तो हमने कहा बताओ जहां हमारा हाथ जाएगा वहां पर क्या है, नीचे क्या है, पेंट, ऊपर शर्ट, पेंट शर्ट, पेंट शर्ट. सो पेंट मीन्स प्रोनेशन, शर्ट मीन्स सुपाइनेशन. ऊपर है शर्ट, सो इफ यू आर कीपिंग द हैंड्स इन द अपर साइड इज शर्ट, सो सुपाइनेशन, एंड लोअर साइड इज पेंट, सो प्रोनेशन. So shirt, pant, supination, pronation, supination. Clear? So in this way, we can remember this. The rotation and circumduction is also many times looks like similar. That is look like similar. Circumduction is very scientific word which we are using, like we are mix, like we are making the
बटर मिल्क. सो वी आर चर्निंग टुगेदर, दैट इज सर्कमडक्शन. सर्कमडक्शन लुकिंग लाइक वेरी सिमिलर टू रोटेशन. डोर्सल पार्ट, यस. अगर देखिए ऐसे करिए, मैंने कहा हम गेम खेलते हैं ना, वी आर प्लेइंग द गेम. वो क्या है? आकाश. वो क्या है? धरती. ठीक है, मेरे बॉडी में बताइए ऊपर क्या है? शर्ट. नीचे पैंट. सो शर्ट मींस सुपाइनेशन. दिस इज द सुपाइनेशन. अपर पार्ट इज शर्ट एंड डाउन पार्ट इज प्रोनेशन पैंट. इन दैट वे यू कैन लर्न. सो डॉर्सल पार्ट, व्हेन वी दिस मूवमेंट इज प्रोनेशन. दिस मूवमेंट इज प्रोनेशन. वी आर प्रोफेशनल. वी विल वर्क प्रोफेशनली विद ईच अदर. सो दिस इज द प्रोफेशनल. Got it? So all movement completed. Any question regarding the movements? Chopping. Yeah, chopping is adduction. You're right. Chopping something. That is, but we are chopping. That is adduction. Then we are coming up. That is avoduction. Adduction. Avoduction. Adduction. Abduction. You want to chop some vegetable, so you are doing adduction. आप जो vegetable को chop करते हो वो adduction है. Okay, all clear? Sweta ji clear? सारी movements 511505 आपको clear? Means Pooja ji. पूजा जी 51505 क्लियर? हाँ हाँ. ओके नीता जी, ठीक है. नीता जी क्लियर? विशाल जी क्लियर? अच्छा राजेश जी, राजेश जी क्लिनिक में बैठे लगता है. हाँ इसलिए. ओके ओके ओके. एनीवन हैविंग एनी डाउट? इफ नो देन विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. चॉपिंग. Okay, chopping. Circumbent, circumduction. You are asking circumduction. Circumbent. Ki circumduction. Circumduction. Rajinikanth ki movie dekhi aapne? Rajinikanth mein kaise pair hilata se? Aur pair hilata to dhool udti hai. और पत्ते उड़ने लगते हैं. वो सर्कमडक्शन. सर्कमडक्शन मींस नाउ, सर्कमडक्शन मींस लाइक राउंडिंग. राउंडिंग लाइक सी, दिस इज द सर्कमडक्शन. सर्कमडक्शन. आई वांट टू थ्रो द बॉल, दैट इज सर्कमडक्शन. आई वांट टू रोटेट द लेग्स लाइक दिस, दैट इज सर्कमडक्शन. दैट इज सर्कमडक्शन. तो सर्कमडक्शन का मतलब होता है रोटेट करना. एक तरह से साउथ इंडियन मूवी में इट्स वेरी कॉमन. दे विल रोटेट द लेग लाइक दिस एंड सडनली द विंड विल कम. और नॉट विंड, स्टॉर्म विल कम. ओनली हीरो कैन डू दैट, नॉट द विलेन. ओके, अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, नहीं तो अभी क्या होगा कि आंधी बांधी आ जाएगी. Circumduction. Okay. Circumduction. Spelling of palm. Palm a bird. Supination. Pronation. Very simple. Supine. Prone. Okay. जब हम बोलते हैं, जब हम सभाषण कराते हैं, जब हम सभाषण कराते हैं. Okay. Lie down. Now, keep your palm in the supine posture. Supine means up. Supine. Keep your palm in the supine posture and connect your supine palm with the supreme power. Okay. Okay. Now, down your palm if you don't want any power. Because you are more powerful. So that is prone. Okay. Fine. Please show last slide.
Okay, fine. Sure. Yeah, look at here. So this is the pronation and supination, asirvad. Yes, yes. There is pronation. Pronation means, देखो सुपाइनेशन कौन करता है? सुपाइनेशन करता है जिसको कुछ चाहिए. और प्रोनेशन कौन करता है? प्रोनेशन डू हु वांट टू गिव समथिंग. हु वांट टू, वी शुड ऑलवेज कीप अवर हैंड इन द प्रोनेशन इफ यू वांट टू. लुक एट हियर, जब हम मंदिर में जाते हैं तो सुपाइनेशन. सो लुक एट हियर, दिस द आशीर्वाद मुद्रा. सही बोला, दिस द आशीर्वाद मुद्रा. प्रोनेशन मीन्स यू आर गिविंग ब्लेसिंग टू समवन, एंड सुपाइनेशन मीन्स यू आर आस्किंग फॉर द एनर्जी. आस्किंग फॉर द एनर्जी, गॉट इट? एंड दिस द न्यूट्रल पोजिशन. दिस द न्यूट्रल पोजिशन. So supination means receiving and pronation means giving. Got it? So this, the movement chapter is completed now. Is it clear now? Any question? Begging. That is a supination. Begging. We are all are beggars. We always beg. अगर भगवान आ जाए ना तो सबसे पहले भगवान ये दे दो वो दे दो वो दे दो, मेरी तबीयत ठीक कर दो, और मेरे घर में वो मेरा घर मरम्मत करवा दो, और मेरे काका की नानी की तबीयत खराब हो ठीक करवा दो. We are all beggars only. Most of the. If we got the chance, just begging. Okay. और गिवर क्या होता है? भगवान आके पूछेंगे बोल क्या चाहिए, पूरे ब्रह्मांड में से कुछ भी मांगे. कुछ नहीं चाहिए भाई, सब कुछ है. दैट इज द गिवर. ओके, बहुत कम लोग ऐसे. और गिवर का मतलब ऐसा नहीं जिसका खूब पैसा है. गिवर का मतलब है वो भिखारी भी हो सकता है, वो दो दुनिया की नजर में, लेकिन उसके अंदर आ गया है. Because the person, the more richest person or more bigger person nowadays. Okay. So now this is the completion of joint movement. Ab hum baat karenge scapula bone ki. Now we are talking about this scapula bone. This is a very important bone, scapula. Scapula. Hai na? So look at the scapula bone. So this is the scapula bone. Yes, scapula bone hai. Now look at the scapula bone at the level of scapula bone. Ye scapula bone ka level kahan se kahan tak hai? This bone is at the level of second rib to the seventh rib. Ye hamari jo scapula naam ki haddi hoti hai, ये दूसरी से सातवीं पसली के बीच में होती है. सो दिस स्कैपुला बोन इज अवेलेबल बिटवीन सेकेंड टू सेवेंथ नंबर रिब्स. सो दोज पॉइंट्स हु इज कमिंग एट द लेवल ऑफ स्कैपुला, दीज ऑल पॉइंट्स वर्किंग फॉर द अपर बॉडी. द मीनिंग ऑफ अपर बॉडी मीन्स ब्रेन एंड चेस्ट. स्कैपुला के लेवल पर जो भी पॉइंट आते हैं, चाहे वो डीयू मेरिडियन में आते हो, चाहे वो यूवी मेरिडियन में आते हो, ये सारे के सारे बिंदु हमारे अपर बॉडी के लिए काम करते हैं, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए काम करते हैं. अपर बॉडी का मतलब है हमारा ब्रेन और चेस्ट. अपर बॉडी का मतलब है छाती के ऊपर का पूरा भाग. So even if you do the rubbing in this, if you do everyday massage in this area with the oil, and you can improve the brain and heart and lungs. This is a very good area. अगर आप बैक्सू पॉइंट का अध्ययन करेंगे तब भी आपको मिलेगा
कि हमारे अपर बॉडी के बैक्स पॉइंट सब यहीं पर पाए जाते हैं, चाहे वो हार्ट पेरिकार्डियम के हो, चाहे वो लंग्स के हो. सो ऑल द बैक्स पॉइंट ऑफ द अपर बॉडी आर अवेलेबल हियर, वेदर दे बिलोंग्स टू द हार्ट एंड पेरिकार्डियम और द लंग्स. सो दिस पार्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड द अपर बॉडी पार्ट at the level of scapula, and scapula is lies between second to seventh number rib. Scapula hamare dusri pasli se lekar satvi pasli ke level tak paya jata hai. Ye hamari thoracic to spine hai. So we can see this is the T2 spine, this is the thoracic to spine, and this is the rib 2. Ye hamari dusri pasli hai. पहली पसली तो ऊपर ही रह गई, वो नीचे अलग ही ऊपर ही रह गई. सो द फर्स्ट रिब इज जस्ट इन द अपर पार्ट विच इज वेरी फार अवे फ्रॉम द स्कैपुला. सो द सेकंड रिब, दिस द सेकंड रिब इज द लेवल ऑफ स्कैपुला. फ्रॉम गिनो ये हमारी थोरसिक 2 है, थोरसिक 3, थोरसिक 4, 5, 6, 7. और इससे जो हमारी सातवें नंबर की पसली जुड़ी रहती है, दिस द सेवंथ नंबर रिब हु इज कनेक्टेड विद दिस, दिस द सेवंथ नंबर रिब हु इज कनेक्टेड विद दिस, दिस द लास्ट लेवल ऑफ स्कैपुला बोन. तो स्कैपुला नाम की हड्डी हमारी दूसरी रिब से सातवीं रिब तक, सेवेंथ रिब तक पाई जाती है. गॉट इट? सो दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ. तो जब भी हम बात करते हैं स्कैपुला बोन की, स्कैपुला बोन फाउंड बिटवीन, और फाउंड नहीं बोलना चाहिए, लाइज बोलना चाहिए. स्कैपुला बोन लाइज यानी फैली रहती है बिटवीन सेकंड टू सेवेंथ रिब. दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द स्कैपुला. और स्कैपुला भी एक संपूर्ण, स्कैपुला भी एक हमारे संपूर्ण शरीर का रिप्रेजेंटेशन करती है. स्कैपुला बोन इज ऑल्सो डूइंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल बॉडी. ओके, लेकिन अभी हम स्कैपुला के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं. तो अगर मैं आपको पूछूं, इफ आई आस्क यू टेल मी द शेप ऑफ स्कैपुला बोन, हमारी स्कैपुला बोन का शेप कैसा होता है, तो बताइए आपको क्या लगता है हम इस शेप को क्या बोलेंगे? राउंड बोलेंगे कि त्रिकोणाकार बोलेंगे कि हम इसे क्वाड्रेंगल बोलेंगे? व्हाट विल वी टेल द शेप ऑफ द स्कैपुला, स्कैपुला का शेप कैसा होता है? सो डेफिनेटली द स्कैपुला, द शेप ऑफ द स्कैपुला इज ट्रायंगुलर. इसका शेप होता है ट्रायंगुलर. अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात, जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे स्कैपुला बोन में भी स्पाइन होती है, यानी स्कैपुला बोन की अलग स्पाइन है. अगर इफ यू सी द स्कैपुला बोन हियर, तो आपको ये जो नुकीला नुकीला भाग दिख रहा है, इसे हम कहते हैं स्कैपुला की स्पाइन. सो दिस इज कॉल्ड स्पाइन ऑफ स्कैपुला. ये स्कैपुला की रीढ़ की हड्डी है. दिस इज कॉल्ड द स्पाइन ऑफ स्कैपुला, इसे हम स्कैपुला की स्पाइन कहते हैं. गॉट इट? तो एक बार चलिए हम स्कैपुला बोन को और गहराई से देख लेते हैं. ये स्कैपुला बोन है, लुक एट, सॉरी, या सो लुक एट द स्कैपुला. जब हम पीछे से देखते हैं तो स्कैपुला बोन ऐसी दिखती है. अभी हमारा टारगेट है इसकी स्पाइन,
देखिए स्पाइन कैसी है, हाउ स्पाइन लुक्स लाइक, देखिए कैसी स्पाइन है, टेढ़ी मेढ़ी है ना. तो स्कैपुला इज लुकिंग फ्रॉम द बैक साइड लाइक दिस. इसकी स्पाइन कैसी है, देखिए एक कैसा एक कर्व जैसा बना रही है. इफ यू लुक एट हियर, ये चोंच जैसी बना रही है, चोंच जैसे कौए की चोंच होती है. अगर आप ऐसे रख दो तो कौए ही लग रहा है, कौए की चोंच. इट इज द पीक ऑफ क्रॉ. इन दिस वे इफ यू सी, सो दिस इज द, दिस इज द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला. ये स्कैपुला की स्पाइन है, स्कैपुला, द स्पाइन ऑफ स्कैपुला. लुकिंग लाइक क्रॉ, द माउथ ऑफ द क्रॉ. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ए क्रॉ एंड दिस इज कॉल्ड क्रो 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 कौआ जैसा क्रो क्रो ए क्रो एंड क्रो 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 है ना, बिल्कुल वही नाम है. तो इसे कहते हैं एक्रोमियोन, इसे बोलते हैं एक्रोमियोन. और पीछे वाले बोलते हैं क्रोकोइड क्रोकोइड, एक्रोमियोन प्रोसेस और क्रोकोइड प्रोसेस दोनों कौए के नाम के आधार पर रखे गए ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों रखे गए नाम. सो ए क्रो एंड क्रो क्रो, ए क्रोमियन प्रोसेस एंड द कोराकॉइड प्रोसेस, दिस द कोराकॉइड कोरा कोराकॉइड प्रोसेस है ना. ये दोनों नाम है, ये दोनों उभरे हुए नाम. लोग कंफ्यूज जाते हैं, भैया एक्रोमियन किसका नाम है, कोराकॉइड किसका नाम है. तो acromion can be seen from the back side because this is the scapula, we can see from the back side. So this is the, now look at in this image. So if I turn the body in like this little bit, if I turn the body like this, ओके रिमूव द हैंड, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा. रिमूव दिस कॉलर बोन, ओके डन. ये कौए की चोंच के बीच में ही तो हमारा हाथ फंसा हुआ था. यू कैन सी दिस इज, आई टोल्ड यू इफ यू सी फ्रॉम द बैक साइड then this is the acromion process. ये पीछे से तो acromion process है. This is the acromion process from the back side. और आगे से देखोगे, थोड़ा turn करके देखते हैं. Let's turn little bit. Let's turn little bit. Okay, wonderful. So this is the coracoid. ये जो देख रहे हैं आगे, ये coracoid है. और इन्हीं दोनों के बीच में तो हाथ फंसा हुआ है. Coracoid process. So look at now. So this is the mainly scapula bone. So we have seen. This is the spine of scapula, spine of scapula, and this is the acromion process. And on the back side, that will be the coracoid process. And the spine of scapula, dividing the scapula in two parts, spine of the scapula, scapula को दो भागों में बांट रही है. ये upper part है और ये lower part है. Upper part means supra और lower part means infra. हम दूसरे अर्थों में ये कह सकते हैं. The meaning of upper part is supra and the meaning of lower part is infra.
तो ऊपर के पार्ट को हम कहते हैं स्पाइन के ऊपर का पार्ट, और नीचे के पार्ट को बोलते हैं स्पाइन के नीचे का पार्ट। और इसी को जरा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखेंगे तो हो जाएगा सुप्रा स्पाइन एंड द लोअर पार्ट इज इंफ्रा स्पाइन, यानी स्पाइन के ऊपर तो सुप्रा स्पाइनेटस एंड इंफ्रा स्पाइनेटस, उसे कहते हैं ऊपर के पार्ट को कहते हैं सुप्रा स्पाइनेटस फोसा, ये ऊपर का खड्डा, और नीचे के खड्डे को बोलते हैं इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। बस इतनी सी कहानी है इसकी, थोड़ी सी कहानी और भी बाकी है, सो लेट्स सी नाउ वन अगेन। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं, फिर मैं आपको दो मिनट का टाइम दूंगा, आपको सारे पार्ट के नाम लिखने होंगे। सो वी आर लुकिंग द स्कैपुला फ्रॉम द बैक साइड, एक व्यक्ति हमारी तरफ पीठ पीट करके खड़ा है, हम उसकी स्पाइन देख रहे हैं। सो दिस इज द स्कैपुला बोन एंड दिस इज द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। स्पाइन के ऊपर का भाग है सुप्रा स्पाइन, सुप्रा स्पाइनेटस फोसा, एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा, ये पूरा इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा, एंड दिस इज कॉल्ड एक्रोमियन प्रोसेस, एंड द बैक साइड वी आर हैविंग कोराकोइड प्रोसेस। करो करो कौए की चोंच याद रखिएगा, तो करो करो याद हो जाएगा। नाउ लेट्स फील इट, एक बार इसको हम फील करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर आपको हम पूछेंगे आपसे। चलिए लुक एट हियर, सो इफ आई कीप माय हैंड हियर, अगर मैं अपने हाथ पीछे रखूं, इवन आई कैन फील, मैं यहां पर एक स्पाइन जैसा फील कर सकता हूं, इवन आई कैन फील द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। ओके ओके, चलिए अभी हमारा मेन टारगेट है फील इट हियर। ये जो उभरा हुआ भाग है ना पीछे की तरफ, ये जो उभरा हुआ भाग, इसे कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। स्कैपुला का बॉर्डर फील करते हुए आइए, फील द बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग, and this is the elevated part, this is the acromion process, ye hamara acromion process on the back side, okay, hamara jo haath hai isi mein phasa rehta hai, humerus bone is inside, so this is the acromion process, okay, I will show you in other image. The 206-bone skeleton provides function, protection, and facilitate function. The skeleton protects vital organs, surrounding organs, lungs, and blood cells. Look at this image. Now, right now, my focus is scapula bone. We are coming to the scapula bone. How the whole bony structure are attached? Okay. Now, look at the movement here now. Look at this now. How the, we can see the acromion process from the back side. Look at here. How the acromion process is there, you can see. We can see the acromion process from the back side. Hum acromion process ko back side se hum dekh sakte hain. Okay. Now,
this is the movement and we can see the acromion process is little visible here. थोड़ा सा यहां पर अगर आप देखेंगे, this is the visible here. So the muscles are attached here. We can see how the humerus bone is inside the acromion process. So look at in this image now. So if you see this image, this is the image with the muscles, and this is the image here. So backside we are having a scapula bone here. This is the scapula bone. Look at this. How the acromion process is making the cap like structure for the humerus bone. ये हमारे कैसे humerus bone के ऊपर एक टोपी की तरह लगा हुआ है. ये देखिए, this is the acromion process of the scapula. We can see here, and just below we are having humerus bone. And if you see, this is the front side. This is the coracoid process. The acromion is here. And coracoid is here. Got it? Now, so in this image, we are able to see the scapula bone is divided in two parts. Because of the spine of scapula, it has been divided in two parts, supraspinatus. फोसा यानी स्पाइन के ऊपर का फोसा एंड इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा. एंड इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा. गॉट इट. और हमने दो प्रोसेस देखे. पीछे से दिखने वाला एक्रोमियन प्रोसेस एंड सेकंड इज कोराकोइड प्रोसेस. एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला एंड कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला. दिस इज इन द बैक साइड, दिस इज फ्रंट साइड. Now, what I want to tell you, look at here. If you look at this image, अगर आप इस image को देखते हैं, this is the collarbone. ये collarbone है. ये collarbone है. This is the collarbone. And this is the scapula bone. ये हमारी scapula bone है. ये दोनों यहां पर मिल रही है. बोथ आर यूनाइटिंग विद ईच अदर. द कॉलर बोन एंड स्कैपुला बोन यूनाइटिंग विद ईच अदर एंड दिस इज द जंक्शन. ये दोनों के बीच का जंक्शन. ये लिगामेंट है. ये लिगामेंट मींस वो रस्सियां जो हड्डी को हड्डी से जोड़ती है उसे हम लिगामेंट कहते हैं. तो व्हाट इज द लिगामेंट? हु इज कनेक्टिंग बोन विद द बोन, दैट इज कॉल्ड लिगामेंट. सो दिस इज द एक्रोमियन. इसे हम कहते हैं एक्रोमियन. And this is the clavicle. इसे हम कहते हैं
क्लेविकुलर, और बीच में लिगामेंट है तो हम उसे कहते हैं लिगामेंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो ये हमारा क्या है, दिस इज द एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। इसका अर्थ ऐसा लिगामेंट जो एक्रोमियन को क्लेविकल से जोड़ रहा है, और इस जॉइंट को बोलते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। द नेम ऑफ दिस जॉइंट इज कॉल्ड एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। चलिए अब आपको मिलते हैं, एक बार मैं आपको इसकी इमेज वापस दिखा दूं। सो लुक एट द बॉडी फ्रॉम द फ्रंट साइड, बॉडी को आगे से देखिए, फिर कॉलर बोन जा रही है और कैसे हमारे स्पाइन ऑफ द स्कैपुला से कनेक्ट हो रही है लिगामेंट के माध्यम से। ना अगर मैं यहां से लिगामेंट और क्लेविकल दोनों को हटा दूं, इफ आई रिमूव द क्लेविकल बोन देन द डाउन वी कैन सी, इफ आई रिमूव द क्लेविकल बोन हियर तो मुझे नीचे की ओर मिलेगा कोराकोइड। कोराकोइड थोड़ा सा दूर होता है, कोराकोइड प्रोसेस। तो चलिए आपको मिलते हैं 2 मिनट, आपको लिखना है कि एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर एसी, शॉर्ट में हम बोलते हैं, शॉर्ट का नाम मैं लिख देता हूं आपको, कई जगह शॉर्ट में इसका नाम मिलेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्या बोलते हैं शॉर्ट में बताइए, कौन बताएगा? व्हाट द नेम ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट? कौन बताएगा? एसीसी जॉइंट। और क्या बोलते हैं? ACC, ACCJ, perfect, ACCJ, चलिए। तो 2 मिनट का समय मिलता है, फटाफट लिखिए स्कैपुला के बारे में, स्कैपुला का एक डायग्राम बनाइए और बताइए कि स्पाइन कहाँ होती है, स्कैपुला कहाँ से कहाँ तक फैला रहता है, ऊपर के पार्ट को क्या बोलते हैं, नीचे के पार्ट को क्या बोलते हैं, व्हाट द नेम ऑफ अपर पार्ट ऑफ द स्पाइन, व्हाट द नेम ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, एंड राइट डाउन द टू लिगामेंट, टू प्रोसेस प्रोसेस एंड वन जॉइंट विद द क्लेविकल। आपको मिलते हैं सिर्फ 2 से 3 मिनट, आपको ये लिखकर अभी का भी ग्रुप में भेजना है इमीडिएटली। मोहन जी आपने नहीं भेजा? मोहन जी सुकृति जी आपने नहीं भेजा? भेज दिया, भेज दिया। किसने नहीं भेजा? रामदास जी ने नहीं भेजा? प्रदीप जी का कहां पर है? प्रदीप जी कोल्हापुर। नंदिनी जी आपने भेज दिया? हाँ मिला आपका, ठीक है, मिल गया, मिल गया। I could not note down. Okay, no problem. अफाक जी को आप भेजा आपने? कोई बिजी है क्लिनिक में तो एक अलग बात है, अगर आप बिजी नहीं है तो भेजिए, इफ यू आर नॉट बिजी देन यू हैव टू सेंड। ओके सो नाउ थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हैं, बट एनीवे वेरी गुड मोहन जी, वंडरफुल। तो जिसने नहीं भेजा वो भेज देना 1-2 घंटे के अंदर, है ना, कुछ लोगों ने नहीं भेजा है। सुनाओ अब चलिए, लेट्स सी फ्यू मोर थिंग्स। देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट इतने ही होते हैं,
बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज एक्रोमियन. एक्रोमियन नहीं पता होता तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई एक्रोमियन किस बला का नाम है, कहाँ होता है, पैर में होता है कि हाथ में होता है. अब हमको पता है कि एक्रोमियन क्रो से याद रखना, क्रो क्रो कहाँ होता है, क्रो क्रो मतलब ऊपर होता है यहाँ ना, रिमेम्बर द क्रो. एक्रो और कोराकोइट दोनों यहीं पर होते हैं. सो जो सुप्रा स्पाइनेटस फोसा कहाँ होता है बताइए, ऊपर या नीचे? ऊपर. तो वहां पर जो मसल होती है उसको बोल देते हैं सुप्रा स्पाइनेटस मसल, और जो नीचे मसल हो जाती है उसे बोल देते हैं इंफ्रा स्पाइनेटस मसल. ओके, सो द मसल फाउंड ऑन द सुप्रा स्पाइनेटस फोसा दैट इज कॉल्ड सुप्रा स्पाइनेटस मसल, एंड द मसल फाउंड ऑन द इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा दैट इज कॉल्ड इंफ्रा स्पाइनेटस मसल. गॉट इट, वंडरफुल, बहुत अच्छा लिखा है आप लोगों ने, एक्सीलेंट. चलिए Now look at the image of scapula once again. अब scapula को देखकर बताइए. You have to see the scapula and tell me how many angles we have. कितने angle हैं इसमें बताइए, आप सोच के बताइए, फिर हम बताएंगे कि क्या बोले गए हैं. So look at this. बताइए how many angles we have in the scapula bone. कितने दिखते हैं आपको, आपको जितने दिख, एंगल का मतलब है कोने, कितने कोने दिखते हैं, जैसे कितने कोने दिखते हैं, how many angles you can see in the scapula. Okay. अब देखिए आपको भले कितने एंगल दिखते हो लेकिन हम तो आपको वही बताएंगे जो मेडिकली माना गया है. और अगर आपको पांच एंगल दिखते हैं तो आप अपनी जगह गलत नहीं है, आप सही हैं. लेकिन हमको तो वही रट्टा मारना पड़ेगा जो मेडिकल डिक्शनरी में दिया है ना, क्योंकि आप बोल दोगे वहां नहीं हमें तो पांच दिखते हैं, एग्जामिनर नहीं मानेगा, वो बोलेगा भाई तीन है तो तीन ही माने जाएंगे. सो एज पर द एंगल there are three angles in the scapula, 1, 2 and 3 angles. Okay. जैसे एक त्रिकोणाकार संरचना होती है उसमें तीन एंगल होते हैं, this is like a triangular shape. So this is called, ये तीन angles हैं इसमें, इसका नाम है superior angle. This is called superior angle and this is called inferior angle. और इसको कहते हैं, ये बाहर का एंगल इसलिए इसे कहते हैं lateral angle. Lateral angle. So these are the three angles. ये तीन angle है. Got it. अब बताइए कि कितने border दिखते हैं आपको, border बताइए, border. How many borders you can see? Angle तो मिल गए, अब border कितने दिखते हैं आपको? Border का मतलब wonderful. So in the same way we are having three border. अगर आपको चार दिखते हैं तो भी आप गलत नहीं है, लेकिन हमको तीन ही मानने पड़ेंगे, है ना? क्योंकि चौरसिया जी ने तीन ही लिखे हैं. चलिए, सो वी आर हैविंग ओनली थ्री बॉर्डर्स, वी आर हैविंग थ्री बॉर्डर्स. वन इज कॉल्ड सुपीरियर बॉर्डर, एक तो है सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर ऊपर का बॉर्डर, और एक है lateral border. This is the बाहर का border. इसे हम कहते हैं lateral border. और एक है अंदर का border. इसे कहते हैं medial border. This is called medial border. तो तीन border हो गए, तीन angle हो गए, तीन border हो गए.
सुपीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर. अब बताइए, टेल मी द नेम, मुझे उस एंगल का नाम बताइए जो सुपीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में पाया जाता है. टेल मी द नेम ऑफ बॉर्डर फाउंड बिटवीन द सुपीरियर बॉर्डर एंड द लेटरल बॉर्डर. उस बॉर्डर का नाम बताइए, उस एंगल का नाम बताइए. टेल मी द नेम ऑफ एंगल हु फाउंड बिटवीन द सुपीरियर बॉर्डर एंड द लेटरल बॉर्डर. मुझे उस एंगल का, उस कोने का नाम बताना होगा जो सुपीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में पाया जाता है. वंडरफुल. तो उसका नाम है लेटरल एंगल. जी बिल्कुल. अब बताइए कि मुझे उस एंगल का नाम बताइए जो लेटरल और मीडियल बॉर्डर के बीच में पाया जाता है. उस एंगल का नाम क्या है जो लेटरल मीडियल बॉर्डर के बीच में है, बिटवीन द लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर. टेल मी द नेम ऑफ दैट एंगल. एंगल. टेल मी द नेम ऑफ दैट एंगल. That is the inferior angle. Very good. अब बताइए कि superior और medial के बीच में कौन सा angle होता है? What is the name of the angle found between superior and medial angle, medial border? What is the name of angle found between superior and medial border? That is the superior angle. Wonderful. तो चलिए इसको भी एक बार लिख लेते हैं. So let's write down. So how many borders? Found in scapula. So the answer is 3. Superior border, lateral border, and medial border. Okay. Now, the question number 2. How many angles? How many angles? How many angles are in a scapula? Scapula mein kul kitne angle hote hain? Superior angle, inferior angle, and lateral angle. Teen angle ho gaye. Now, so look at the scapula bone.
Now this is the scapula bone. अगर मैं स्कैपुला बोन को आगे से देखूं, इफ आई सी द स्कैपुला बोन फ्रॉम द फ्रंट साइड, देन सो दिस द बैक साइड. ओके, अब अगर मैं इस हड्डी को फ्रंट से देखूं, इफ आई वांट टू सी फ्रॉम द फ्रंट साइड, और हमें पता है फ्रंट साइड तो हमारी बॉडी से चिपकी रहती है पीछे से. सो दिस इज द पार्ट हिडन side of the scapula. So this part can be told the hidden side of scapula bone. और कह सकते हैं कि scapula के अंदर का, नीचे का. अच्छा, ये बताइए मुझे कि जब हम मुंबई में तो बहुत सारी मेट्रो ट्रेन चलती है. एक रास्ता होता है नीचे से जाता है, नीचे से सड़क ऊपर है और नीचे से रास्ता जाता है. द रोड लाइक ट्रेन इज गोइंग, बस इज गोइंग, एंड वी वांट टू गो फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन फ्रॉम द अंडरग्राउंड पाथवे. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? व्हाट वी टेल दैट? हम उसे क्या कहते हैं, उस रास्ते को क्या कहते हैं? टनल और कुछ बोलते, सब वे. यस, आई वांट टू नो सब वे. सब मींस हिडन. तो स्कैपुला का जो आगे का पार्ट है इसे कहते हैं सब स्कैपुला. सब स्कैपुला क्या बोलते हैं? सब स्कैपुलेरिस. सब वे सैंडविच. यस, राइट. कल ही मेरा मन हुआ था खाने का, लेकिन रोक लिया अपने आप को. बच्चों को बड़ी पसंद आती है सैंडविच सब्बे की. मेरी बेटी बोल रही थी, पापा सब्बे की सैंडविच बहुत अच्छी होती है. अच्छा, मुझे तो सारी एक जैसी लग, आपको भी सारी एक जैसी लगती है. सो सब का मतलब होता है हिडन इनसाइड. तो इसे हम कहते हैं. So look at this image now. So this is the hidden side of the scapula. This is called subscapularis. Subscapularis. Okay. और यहां पर जो मसल पाई जाती है उसे हम बोलते हैं subscapularis मसल. और ये subscapularis fossa. और यहां पर जो मसल पाई जाती है अंदर की ओर, ये hidden inside है, इसे हम कहते हैं subscapularis मसल. सब स्कैपुलेरिस मसल. तो ध्यान रखिएगा, जब भी सब आ जाए तो हिडन इनसाइड. द मीनिंग ऑफ सब, हु इज हिडन इनसाइड. गॉट इट? सब स्कैपुलेरिस फोसा. सो नाउ इफ वी सी द नॉर्मल इमेज, सो नॉर्मल स्कैपुला इज लाइक दिस. अगर हम नॉर्मल स्कैपुला को देखते हैं तो ऐसी होती है. फ्रॉम द बैक साइड हम टर्न कर रहे हैं आगे की तरफ तो ऐसी दिखती है. ओके, नाउ फाइनली अगर इफ वी सी द स्कैपुला फ्रॉम दिस साइड, यू कैन सी ये क्या है. व्हाट इज दैट? ये क्या चीज? ये एक सिक्के जैसा बना हुआ है, कॉइन, लाइक ए कॉइन स्ट्रक्चर. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? ये क्या चीज है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट? तो पहले तो हम देखते हैं ये चीज है क्या, कहां पर है. सो लुक एट दिस इमेज. सो दिस इज द स्कैपुला बोन कमिंग लाइक दिस हियर. ओके, हम एक बार हाथ की हड्डी को हटा देते हैं. वी आर रिमूविंग द ह्यूमरस हाइट. नाउ वी कैन सी ह्यूमरस यहां से अटैच्ड होता है. ह्यूमरस इज अटैचिंग इन दिस कॉइन लाइक कैविटी, बट इज वेरी सैलो कैविटी. आप देखेंगे कैविटी कितनी सैलो है, कोई बहुत गहरी नहीं है,
this cavity is not very deep, very shallow cavity. इसी cavity में तो humerus attached रहता है. In this cavity is the cavity of scapula bone. और यहीं पर हमारा हाथ की हड्डी जुड़ी रहती है, यहीं पर ऐसी रहती है. So what is the name of this cavity? Because this cavity is very important. इस कैविटी का नाम है ग्लीनॉइड. ग्लीनॉइड इस कैविटी का नाम है ग्लीनॉइड. सो द नेम ऑफ दिस कैविटी इज ग्लीनॉइड कैविटी. और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लीनॉइड कैविटी? ग्लीनॉइड कैविटी में ही आके हमारा हाथ का हड्डी जुड़ता है. द ह्यूमरस बोन इज अटैचिंग हियर ओनली. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ह्यूमरस बोन, the humerus bone attaching in this glenoid cavity only. तो जब humerus की हड्डी यहां से जुड़ जाती है तब हमारा ये shoulder joint बन जाता है. तो shoulder joint के देखिए, एक तरफ glenoid cavity है, एक तरफ हमारा humerus bone है. ऊपर ये acromion लटका हुआ है छतरी की तरह, यहां से हमारी, और आगे से collar bone है. ये सब लटके हैं और कोराकॉइड भी है. सो वी कैन सी मल्टीपल स्ट्रक्चर. दिस इज द ग्लीनॉइड कैविटी, द एक्रोमियन, कॉलर बोन एंड द कोराकॉइड. और यहां पर जब ह्यूमरस आगे चिपक जाता है तो ये शोल्डर जॉइंट बन जाता है. सो शोल्डर जॉइंट इज फॉर्म्ड बाय ग्लीनॉइड कैविटी एंड द ह्यूमरस बोन. तो इसे कहते हैं हम शोल्डर जॉइंट. और क्या बोल सकते हैं? जब ह्यूमरस नाम की हड्डियां चिपक जाएगी, सो लेट्स मेक द ह्यूमरस. सो दिस इज द ह्यूमरस बोन, ये हमारे हाथ की हड्डी है, इसका नाम है ह्यूमरस, एंड दिस इज द हेड ऑफ ह्यूमरस. सो एक तरफ तो ग्लीनॉइड कैविटी, ग्लीनो, एक तरफ ह्यूमरस बोन, ग्लीनो, ग्लीनो एक तरफ ह्यूमरस बोन है. ऑन द वन साइड वी आर हैविंग ग्लीनॉइड कैविटी, ऑन द अदर साइड वी आर हैविंग ह्यूमरस बोन. सो ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट. ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट का मतलब है कि ऐसा जॉइंट जिसे ग्लीनॉइड कैविटी और ह्यूमरस नाम की हड्डी ने मिलकर बनाया है. ग्लीनो ह्यूमरस जॉइंट, ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट. तो चलिए एक बार यहां लिख लेते हैं इसको. So now, number one, we have seen sub scapularis fossa. ये कहां होता है? The front side of scapula, front side of scapula bone. उसे कहते हैं sub scapularis fossa. Now, और हमने देखा कि जहां वेयर ह्यूमरस अटैच्ड, ह्यूमरस इज अटैच्ड विद स्कैपुला. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस जॉइंट? दैट इज कॉल्ड ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट. Made by glenoid cavity. Glenoid cavity of scapula and head of humerus. Humerus ke sir aur glenoid cavity of the scapula ne milkar ek joint ka nirman kiya jise hum kehte hain glenohumeral joint ya shoulder joint. I hope it will be clear to all of you. Glino humeral joint. तो चलिए आपको दो मिनट का टाइम देते हैं, फटाफट लिखिए ग्लीनो ह्यूमरल ज्वाइंट क्या होता है. बस इतना ही लिख के मुझे भेजिए. ओनली टू मिनट, यू आर हैविंग ओनली टू मिनट. इसके बाद हमारा एक लास्ट चीज बाकी है, फिर हम आज की क्लास को समाप्त कर देंगे. राइट डाउन इमीडिएटली what is glenohumeral joint.
कैविटी सेलो इसीलिए होती है ताकि खूब सारी मूवमेंट हो सके. इफ द कैविटी इज सेलो देन ओनली ऑल मूवमेंट्स इज पॉसिबल आर पॉसिबल, अदरवाइज द लॉट्स ऑफ मूवमेंट विल नॉट बी पॉसिबल. तो अब आपको शोल्डर जॉइंट ना बोलना हो तो आप ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट भी कह सकते हो. यू कैन टेल द ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट. ओके, सो दिस इज द मेडिकल नेम. This would have the idea. Now the last thing of the scapula bone. अब हम scapula bone की आखिरी बात करते हैं. Let's talk about the final thing of the scapula. So now I want to bring your focus on the supraspinatus fossa. अब हम बात करते हैं. So look at this image. This is the spine of scapula. Spine of scapula. The upper part is called supraspinatus fossa. ऊपर के भाग को हम कहते हैं supraspinatus fossa. और इस नीचे के पूरे भाग को हम कहते हैं infraspinatus fossa. Got it? Now we are moving to the supraspinatus fossa. अब हम supraspinatus fossa की बात करते हैं. Let's move to the supraspinatus fossa. So just we are turning the image and we are going in the supraspinatus fossa. So look at here. If you see the supraspinatus fossa, so let's see the this bone and remove all others. Look at here. अगर आप supraspinatus fossa को देखें, so this is the supraspinatus fossa, this all. On the one side we are having coracoid process. On the other side we are having acromion process. And this is the supraspinatus fossa. ये पूरा का पूरा हमारा supraspinatus fossa है. Because it is in the upper part of the spine. Ye spine ke upar hai. Now bring your attention to the coracoid process. Abhi aapki attention coracoid process par laiye. Now you can see here. This is the depression. Ye depression hai thoda sa. This depression is there because the blood vessels, the veins can be passed from this place. So there will be canal. From this canal, there are lots of blood vessels are passing from the scapula bone. तो अब हमें बस इस depression के बारे में समझना है. हमें इस depression का नाम याद रखना है. उसके साथ ही हमारी scapula bone समाप्त हो जाएगी. So first I would like to bring your attention why this depression is here. This depression is there so that there should be pathway for the blood vessels, arteries and veins. So, एक तरह की कैनाल यहां पर होती है जहां से आर्टरीज और वेन पास होती है. एंड दिस डिप्रेशन इज जस्ट बिफोर द कोरकॉइड प्रोसेस और ये ऊपर की तरफ पाया जाता है, एंटीरियर साइड में पाया जाता है. सो दिस डिप्रेशन इज अवेलेबल ऑन द एंटीरियर साइड. इफ आई टर्न द इमेज देन यू विल सी डिप्रेशन डायरेक्टली. तो आप डिप्रेशन को डायरेक्टली देख लोगे. ओके, तो पहले मुझे बताइए इस पार्ट का नाम क्या है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पार्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पार्ट. डेफिनेटली सुप्रास्पाइनेटस. तो इस नॉच का नाम है सुप्रास्पाइनेटस नॉच. दैट्स इट. इस नॉच को हम बोलते हैं सुप्रास्पाइनेटस नॉच. जो कहां होती है, जो एंटीरियर साइड ऑफ द स्कैपुला में पाई जाती है, इसे हम कहते हैं supraspinatus notch. So what is the supraspinatus notch? Found on the anterior side of scapula
on upper border side. Okay. Purpose. इसका purpose क्या होता है? What is the purpose of this notch? Purpose of supraspinatus notch. इसका purpose है to give pathway for blood vessels and even nerves. तो इसे हम कहते हैं सुप्रा स्पाइनेटस नॉच. इसके साथ ही हमारी स्कैपुला बोन समाप्त होती है. अब हम कल मिलेंगे. ओके, सबको समझ में आया? क्लियर? वंडरफुल. सो सी यू टुमारो. सो क्लोजिंग द सेशन नाउ.